इस संगीन सूर्या पर वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। इमरान खान आज कौमी रामता कमेटी इजलास के बाद इशारे ख्याल करेंगे। स्वान लाकडाउन शादी हाउस और मार्केट के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्का। तालीम इदारे 26 नवंबर से बंद करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। वजीर आजम की जलसवार काबीना इजलास में भी कोरोना की सूरत हाल पर गौर। सिंध में कोरोना की दूसरी लहर तश्वीशनाक। कारोबारी सरगर्मियां महदूद। शाम 6 बजे के बाद तजारती सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। जुम्मा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% रखने की हदायत। बलोचिस्तान हुकूमत का भी दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब में भी दुकानें और मार्केट शाम 6 बजे या रात 8 बजे बंद करने की तजावीज आ गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाप्त। अदालत का नवाज शरीफ को इश्तिहार इकरार देने से पहले बयान रिकॉर्ड कराने का फैसला। इश्तिहारात की तकमील कराने वाले अफसरान के बयान 2 दिसंबर को रिकॉर्ड किए जाएंगे। दफ्ते हाजा ने बजरिए इश्तिहारी तलबी की तकमील रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। लिखा के नवाज शरीफ जानबूझ कर अदालत पेश नहीं हो रहे। आसिफ सरदारी के खिलाफ दायर 4 रेफरेंस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अपील 2 हफ्तों में समाज के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इधर एहतसाब अदालत में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब के गवाह पर जराह की गयी। आसिफ सरदारी, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुलजमान की हाजिरी के इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डीजी सिविल एविएशन के तैनाती का नोटिफिकेशन 8 दिसंबर तक जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया। 2 से 3 रोज में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अथर मिनल्ला ने सेक्रेटरीट सिविल एविएशन के बतौर डीजी फैसलों पर सवाल उठाया। रिमार्क दिए कि जो इकदाम कानून के खिलाफ किए जाएंगे वो गैर कानूनी करार देंगे। दुबई के नायब वली अहद शेख हमाद बिन राशिद अल मक्तूम और यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की मेहमान नवाजी की तैयारियां। शाही वफद पंजाब के 5 अज़ला में शिकार के लिए खुसूसी क्याम करेगा। वफाकी हुकूमत ने रेजिडेंस की 3 कंपनी तैनात करने की मंजूरी दे दी। कराची में गोश्त अखराजात का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कारपोरेशन करंगी में 1 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद के फंड गोश्त कामों पर खर्च होने का इंकशाफ। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात ने 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। बरतरफी के लिए कार्रवाई शुरू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल। लाहौर में सीपैक टावर बनाने के लिए तजवीज पर भी इत्तेफाक। उस्मान गुज़दार का कहना था चीन के सरमायाकारों को पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे।